चलिए, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पे आप? जी देखिए, आज माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी की तैयारी है। जो सारे आरोप जितनी भी एजेंसियों ने लगाए हैं वो सब झूठे हैं। अगर ऐसी कोई रिश्वत ली है तो वो कहीं तो रखी होगी। हर तरफ जांच कर ली, घर पर कर ली, दफ्तर पर कर ली, साथ ही गांव तक पहुंच गए, बट कुछ भी हासिल नहीं हुआ। लेकिन ये शक्ति प्रदर्शन किस लिए? क्या आप लोग संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपने कहा जांच में सहयोग करेंगे? जी देखिए, हम सब ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा महान व्यक्ति जो अच्छी शिक्षा की बात करता है, जो आने वाले जो हमारी जनरेशन है उनके उज्ज्वल भविष्य की बात करता है, तो वो कभी भी भ्रष्टाचारी नहीं हो सकता। अब आगे क्या आप लोगों की मांग है, और यहाँ से क्या आप लोग सीबीआई दफ्तर भी जाएंगे? जी, यहीं से हम राजघाट होते हुए यहाँ से सीबीआई दफ्तर पहुँचेंगे, और हम ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारे नेताओं पर झूठे आरोप जितने भी लगा ले, हम झूठे आरोपों से नहीं डरते, जेल जाने से नहीं डरते, क्योंकि हम सब बाबा साहेब और भगत सिंह जी के अनुयायी हैं। साथ ही ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है। ये बौखलाहट इसीलिए है क्योंकि आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता, आम आदमी पार्टी का बढ़ता हुआ ग्राफ पूरे देश में, ये उनकी बौखलाहट को साबित करता है। लेकिन साथ ही इस जांच में सहयोग देना है, बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि भ्रष्टाचार हुआ है, तो शराब नीति आपने वापस क्यों ली? उधर से शराब नीति वापस क्यों ली? बीजेपी ये आरोप लगाती है। जी देखिए, जांच हो चुकी है, जब कुछ भी हासिल नहीं हुआ तो वो झूठे आरोप तो लगाती रहेगी।